नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। आबकारी निरीक्षक सुरेश चौधरी और सिपाही संदीप कुमार में जमकर लात घुसे चले। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद दोनों थाने में पहुंचे और वहां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पूरा मामला थाना कवीनगर क्षेत्र के कलेक्टर परिक्षेत्र में बने आबकारी विभाग के ऑफिस का है, जहां दोनों आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई है। ये मैं जिला आबकारी अधिकारी महोदय कमरे में बैठा हुआ था, आवश्यक दिशा निर्देश ले रहा था, तभी साहब के पास एक फोन आया। इन्होंने हमारे सिपाही संदीप कुमार को कमरे में बुलाया, क्या परेशानी है, हम पे भड़कने लगा और मुझ पर नरगल आरोप लगाने लगा। तो मैंने उच्च अधिकारियों को इस घटना की रिपोर्ट के लिए इसके खिलाफ लिखना शुरू किया, तो ये कहते हुए बाहर चला गया कि मुझे सस्पेंड मत कराना, मुझे टर्मिनेट कराना। जी, मैं कुछ बोला नहीं है, बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ये आया, मैं कुर्सी में बैठा हुआ रिपोर्ट बना रहा था, तो इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। जी, तो आप देख रहे हैं कि वो गुस्से उससे से मारा है। जी, बात ये आ रही है कि कुछ पैसे को बंटवारा को लेकर भी बात हुआ था दोनों ने। ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है, पैसे का मुझे कुछ पता ही नहीं है। जी, क्या है वो सारी गलत बात कह रहा है। ठीक है, मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा। आपको पीटा है, आपके द्वारा भी मारपीट की गई है? मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। अच्छा, मेरे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। ठीक है सर, कवीनगर थाना इलाके में एक आबकारी अधिकारी और एक सिपाही के बीच में झगड़ा हुआ था, क्या था पूरा मामला? ये थाना कवीनगर क्षेत्र में आबकारी कार्यालय में एक इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल के बीच कुछ कारणों को लेकर के मारपीट हुई है। अभी दोनों पक्षों द्वारा थाने में तहरीर भी दी गई है, पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जांच के पश्चात मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अभी जांच के बाद ही क्लियर होगा कि मतलब क्या कारण रहा जिस कारण इनके बीच मारपीट हुई। इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया गया। सर, किसी का मेडिकल भी कराया गया क्या? कांस्टेबल को चोट लगी है बताया जा रहा है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है और दोनों पक्षों द्वारा भी एप्लीकेशन भी दिया गया है। जांच के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।